हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ें हैं, इसके पहले जो चीज़ें हमने कवर की हैं उनमें है हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने सबसे पहले तो ये चीज़ समझी थी, पहले तो हमने इंडियन रिवर सिस्टम को समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, जैसे कि इंदस रिवर सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है गंगा रिवर सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरीज को, और इसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। तो इन सभी की जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये हिमालयन रिवर सिस्टम था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसमें हमने समझा था कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। तो आज की जो जो सबसे फर्स्ट रिवर हम करने जा रहे हैं वो क्या कौन सी है, नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्मदा रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जो नर्मदा रिवर सिस्टम है, अगर नर्मदा रिवर की हम बात करें, तो नर्मदा रिवर जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, इन सेंट्रल इंडिया। तो इसकी लोकेटेड कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड जो है वो हम इसका ओरिजिनेशन देख लेते हैं कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। जो नर्मदा रिवर है, इसका ओरिजिनेशन होता है अमर कंटक हिल्स, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। और इसी के साथ ही जो इसके बारे में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इसी के साथ ही जो इसकी टोटल लेंथ है वो भी हम देख लेते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1310 किलोमीटर, 1310 किलोमीटर इसकी जो है वो टोटल लेंथ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि इस पे जो है कौन कौन से डैम्स हैं, इस पे जो डैम्स बने हुए हैं उनमें फर्स्ट है इंदिरा सागर डैम, ठीक है। सेकंड जो है वो है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये दो डैम्स बने हुए हैं किस पे, नर्मदा रिवर पे। इसी के साथ ही जो इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें कौन कौन सी आती हैं, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है हिरन और सांग, बरना और एक है कोलार, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें कौन सी आती है, तवा
शक्कर, कुंडी, गजर, ठीक है, ये रिवर्स आपको याद रखनी है। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि ये रिवर फ्लो किन किन स्टेट्स में करती है, तो रिवर का फ्लो किन किन स्टेट्स में है, कौन कौन से स्टेट्स में करती है ये रिवर फ्लो, मध्य प्रदेश, सेकंड जो है वो है गुजरात, ठीक है, और एक है महाराष्ट्र, ठीक है। ये तीनों ही स्टेट्स में जो ये रिवर है ये फ्लो करती है। इसके बाद जो चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो ये नर्मदा रिवर है ये लॉन्गेस्ट वेस्टर्न मोस्ट पेनिनसुलर रिवर है किसकी, इंडिया की। तो ये जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट वेस्टर्न मोस्ट पेनिनसुलर रिवर है इन इंडिया, ठीक है, ये चीज़ भी हमने जान ली। अभी जो लास्ट चीज़ है इस रिवर के बारे में, जो चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है, इसका डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका जो ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में, इन भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। ये हमने जान लिया नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में। तो आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट रिवर के बारे में जानेंगे जो होगी तपती रिवर, तो कुछ इसे तपी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस रिवर के बारे में हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ।